अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ कंपनीज को डिस्कस किया था कि कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी। आज ये फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें हम अब जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है स्टेक होल्डर्स इन अ कंपनी, के कंपनी के कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसको हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे और इन डिटेल स्टेक होल्डर्स को डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टेक होल्डर? तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। तो स्टेक होल्डर्स को मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि स्टेक होल्डर उन लोगों को कहते हैं जो कंपनी पे इन्फ्लुएंस रखते हैं या जिनका कंपनी पे स्टेक होता है, कोई हिस्सा होता है, या वो कंपनी के साथ किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक होते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कंपनी के अंदर काम करते हैं उसके इंप्लॉयज हो गए, वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे, और जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने कंपनी को उधार देना है वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। तो स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिसके अंदर आपके शेयर होल्डर्स भी इंक्लूड होते हैं। स्टेक होल्डर इज अ वाइडर टर्म जिसके अंदर आपके शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, शेयर होल्डर इज अ नैरो टर्म। ठीक है, तो हम अब डिटेल के साथ इसको डिस्कस करते हैं स्टेक होल्डर को। अ स्टेक होल्डर इज अ पर्सन हु हैज इंटरेस्ट अ स्टेक इन अ कंपनी। ऐसा कोई भी पर्सन जो कंपनी पे या तो उसका इंटरेस्ट हो या उसको उस कंपनी से लेना देना हो या फिर वो कंपनी पे इन्फ्लुएंस रखता हो, स्टेक रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं कि ये कंपनी का स्टेक होल्डर है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं स्टेक होल्डर्स की, इसके अंदर शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं। ऑब्वियसली शेयर होल्डर जो हैं वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनको कंपनी के साथ लिंक होता है क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही स्टेक होल्डर नहीं होते, इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग आते हैं जिसको मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से लोग इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो अभी हम अगर बात कर लें सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स की, क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करेंगे। हम दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे स्टेक होल्डर्स की। नंबर वन इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रस्पेक्टिव रोल्स, हम रोल की बेस पे उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। ऑन द सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि अपॉर्चुनिटी के अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी हो, अगर स्टेक होल्डर्स के पास अपॉर्चुनिटी हो तो वो राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे स्टेक होल्डर्स के। और अगर जो अपने रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्म करें या हम उसको डिस्कस करें, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेक होल्डर के राइट्स हैं, उसको इंटरेस्ट हैं, राइट्स हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टू हम आज डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। मैं आपको नाम से बताता हूँ, हमारे जो ऑनर्स होते हैं जिसको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, ये भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। लेंडर्स होते हैं, बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं, क्रेडिटर्स हमारे होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज हमारे होते हैं, बिजनेस एसोसिएट और सोसाइटी, ये सारे लोग जो है ये हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। इनको हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ रोल, रोल की बेसिस पे सबसे नंबर हमारे पास है ऑनर्स। ऑनर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर होल्डर जिसको हम कहते हैं, वो हमारे शेयर होल्डर स्मॉल लेवल पे भी हो सकते हैं या ब्रॉडर लेवल पे भी हो सकते हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ शेयर होल्डर मींस टू से दैट कि हर तरह के शेयर होल्डर इसमें इंक्लूड है, मेजर शेयर होल्डर्स भी और माइनर शेयर होल्डर्स भी, जिसने कम पैसा लगाया वो भी, जिसने ज्यादा पैसा लगाया वो भी हमारा शेयर होल्डर कहलाएगा या हमारा ऑनर कहलाएगा। इसमें इंडिविजुअल्स भी शामिल हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी शामिल हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान वाले भी शामिल हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले भी शामिल हो सकते हैं। तो सारे के सारे इसके अंदर ऑनर्स हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन मीन कोई एक अदारा है जिसने किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स को बाय कर लिया, और इंडिविजुअल लाइक मी यू आप लोग भी बाय कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं ऑनर्स बोलते हैं। ओके, देन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मैंने पहले डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑनर्स हैव अ ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट इफ कंपनी परफॉर्म्स वेल। अच्छा, अब हम बात करें स्टेक होल्डर्स की और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑनर्स होते हैं इनका कंपनी के अंदर ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो ज्यादा पैसे कमाएंगे, बेटर रिजल्ट्स आएंगे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से सबसे ज्यादा जो इनका इंटरेस्ट होता है वो कंपनी में होता है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर सकते हैं ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम यही देखते हैं कि कंपनी के इंटरेस्ट की बात की जाए, स्टेक होल्डर्स के, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट की बात की जाए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को ऊपर लेके जाना, उसकी ग्रोथ करवाना, मैक्सिमम प्रॉफिट्स को अचीव करना, मैक्सिमम वेल्थ को अचीव करना, यही जो है वो बेसिक बेनिफिट्स होता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजिशन, अगर कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग है तो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सेफ होगी। ऑनर्स क्या करते हैं, ऑनर्स की यही कोशिश होती है कि कंपनी ज़्यादा अच्छा से परफॉर्म करे, इस वजह से उनका इन पे इंटरेस्ट होता है। हमने बात की इंटरेस्ट हो या स्टेक हो, ताकि कंपनी का इंटरेस्ट होगा, पोजीशन अच्छी होगी उसकी, तो जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ होगी। ये ऑनर्स रोल परफॉर्म करते हैं कंपनी के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेंडर्स की।
लेंडर्स वो लोग होते हैं जो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी को उधार पैसे दिया होता है। इसमें शॉर्ट टर्म लेंडर्स भी आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी मैं बात कर रहा हूँ, जो बॉन्ड खरीदते हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जो जस्ट लाइक बैंक आ सकते हैं, दोज हु एक्सटेंड फाइनेंशियल एडवांसेस, वो लोग जो कंपनी को पैसा देते हैं, एडवांस करते हैं उनको उस कंपनी के। अब अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, ऑब्वियसली बात है कि इनको टाइमली इंटरेस्ट पेमेंट्स होती रहेंगी, इनका उनके साथ इस वजह से कंसर्न है, इंटरेस्ट है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसको अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स और प्रिंसिपल पेमेंट्स के ज़ाया होने का खतरा होता है। तो इसी वजह से लेंडर जो हैं वो स्टेक रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं कंपनी पे। फिर है दीज में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी, जस्ट लाइक मैंने आपको बता दिया, जो बॉन्ड होल्डर हैं, जो बॉन्ड खरीदते हैं वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जस्ट लाइक बैंक्स हो गया, क्रेडिट यूनियंस हो गई, ये सारी की सारी क्या हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लेंडिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज वो लोग होते हैं, इसको आप इंटरनल भी कह सकते हैं स्टेक होल्डर। अब ये वो लोग हैं जो कंपनी के अंदर परफॉर्म करते हैं, कंपनी के ऑपरेशंस को देखते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजर्स, ये सब क्या हैं, एम्प्लॉयज हैं। अगर ये अच्छा कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इनकी जो जॉब है वो सिक्योर होगी, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, बोनसेस मिलेंगे, तो यही इनका एम होता है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करे। इंक्लूड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, कंपनी परफॉर्म्स वेल और जॉब सिक्योरिटी होती है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो जॉब सिक्योरिटी होगी, दैट इज द एम्प्लॉयज जो कि स्टेक होल्डर होते हैं कंपनी के। नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस एसोसिएट्स, बिजनेस एसोसिएट्स के अंदर हमारे पास सप्लायर्स आ जाते हैं और क्लाइंट्स आ जाते हैं। सप्लायर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, कंपनी उनसे माल खरीदती है, वो अपनी सप्लाईज को यूज़ करके रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं उससे आगे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करती है और आगे फिर अपने क्लाइंट्स को सेल आउट करती है। तो जो सप्लायर्स होते हैं उनका कंपनी के साथ क्या कंसर्न होता है, वो इसी वजह से स्टेक रखते हैं कंपनी के साथ, इनका लिंक या इन्फ्लुएंस इसी वजह से करते हैं, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो इनको क्या है, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाय होती है। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है, उसकी सेल ही नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि वो सप्लायर से प्रोडक्ट्स को ज़्यादा परचेज नहीं करेगी। सो वी कैन से दैट कंपनी सप्लायर एंड क्लाइंट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सप्लायर बेनिफिट्स इफ कंपनी कंटिन्यूज बाइंग, सप्लायर को तभी बेनिफिट होगा अगर कंपनी जो है वो कंटिन्यूस उनसे बाय करती रहे। फिर क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो क्लाइंट्स गेटिंग देयर सप्लाईज ऑपरेट प्रॉफिटेबिलिटी, जो क्लाइंट्स हैं वो उनको उसी तरह से सेटिस्फैक्शन रहती है, वो तभी कंपनी से बनी हुई चीज़ें जो है वो बाय करते हैं, खरीदते हैं। अगर कंपनी ऑपरेट अच्छा करती हो, प्रॉफिटेबिलिटी वाली कंपनी हो, तभी वो उससे, तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्लाइंट्स और जो हमारे सप्लायर्स हैं या बिजनेस एसोसिएट्स हैं, ये कंपनी पे एक अच्छा स्टेक रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं कंपनी पे। नेक्स्ट हमारे पास है सोसाइटी, सोसाइटी में हमारे पास पीपल शामिल होते हैं और गवर्नमेंट शामिल होती है। गवर्नमेंट वो लोग होते हैं जो कंपनी पे स्टेक रखते हैं, किस वजह से स्टेक रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंपोज करने होते हैं इनकम ऑफ द कंपनी, तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इंपोज कर सकेगी, इसी वजह से ये कंपनी के इंटरेस्ट में होते हैं और उस पर स्टेक रखते हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं। सो दैट इज ऑल्सो द स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, नॉट जस्ट ओनली द शेयर होल्डर। पीपल वो लोग होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि कंपनी जो है वो सोसाइटी में अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, प्रॉफिटेबल होगी, तो सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, सोसाइटी में लोग शामिल होते हैं जो कंपनी की वेलबींग चाहते हैं, ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाए और अच्छा सिटीजन बने, वो वहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, अदर एक्टिविटीज़, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी कंपनी फॉर द सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जस्ट लाइक कोई भी ग्रीनरी पे सेमिनार करती है, वाटर सेविंग का सेमिनार करती हैं, या इस तरह के कुछ भी जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। फिर हमारे पास आते हैं पार्टिसिपेट सोशल एक्टिविटीज़ में, ये लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें, तो सोसाइटी इस पॉइंट ऑफ व्यू में जो है वो स्टेक होल्डर होती है। नेक्स्ट हम बात करें, एवरी क्लास ऑफ स्टेक होल्डर हैज इट्स ओन पर्टिकुलर इंटरेस्ट, जो भी क्लासेस हमने डिस्कस की हैं इसका हर एक के अपने पर्सनल जो है वो स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट होते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, ऑनर्स वांट सस्टेनेबल ग्रोथ एंड नेट वर्थ ऑफ द प्रॉफिट, वो कंपनी की नेट वर्थ चाहते हैं, वो ग्रोथ चाहते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ, इसका अपना एक फंड है। लेंडर जो है ये रिक्वायर करते हैं सिक्योरिटी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, वो अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी की बात करते हैं, साथ में वो बात करते हैं कि उनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी सेव रहे, ठीक है, ज्यादा टाइमली पेमेंट्स इंश्योर करती है ये। फिर उसके बाद इंप्लॉयज के जो स्टेक है या जो वांट्स है वो ये चाहती है कि कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट विद द गुड टर्म्स, ठीक है, बोनस अच्छा मिले, पैसे अच्छे मिले, सैलरी अच्छी मिले, उस बेसिस पे वो चाहती हैं। सोसाइटी वांट्स गुड सिटीजन, जो सोसाइटी है वो चाहती है कि कंपनी एज अ गुड सिटीजन परफॉर्म करे। उसके बाद बिजनेस एसोसिएट सीक अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर देयर ऑन प्रॉफिट्स, वो जो बिजनेस सोसाइटीज़ हैं हमारी
वो ये चाहती हैं जिसमें क्लाइंट्स शामिल हैं और जिसमें जो है वो हमारे सप्लायर शामिल है, ये और अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में और ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए लगी रहती हैं। सो दे आर द पर्टिकुलर इंटरेस्ट, हर एक का अपना पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, ये स्टेक होल्डर है जो कंपनी के स्टेक रखते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस कर लिया है। ऑन द अदर हैंड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, हम बात करेंगे अब अपॉर्चुनिटी की बेस पे कि जो है वो स्टेक होल्डर के राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है या किस तरह से वो होते हैं। एक स्केच मैंने बनाया है, बेसिस ऑफ रोल, फुल अपॉर्चुनिटी, पार्शियल अपॉर्चुनिटी एंड वर्चुअली नो अपॉर्चुनिटी। ये वही लोग हैं जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर तो वही रहेंगे, जस्ट उनका रोल डिफरेंट है। अब इनके पास जो जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरह से इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स के या नहीं करते, उसको हम देखने जा रहे हैं। ऑनर्स की अगर हम बात करें तो इनके पास फुल अपॉर्चुनिटी होती है। एक ऑनर्स वो होते हैं जिनके पास फुल अपॉर्चुनिटी होती है, वो कौन लोग होते हैं, वो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसमें जिनके पास जिन्होंने बहुत ज्यादा कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं, मैक्सिमम शेयर उनके पास होते हैं, वो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, वो इफेक्टिव होते हैं कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे। तो इसलिए वो कलेक्टिव इंटरेस्ट लें, ना कि सिर्फ अपने बेनिफिट में लें, तो हम ये देख रहे हैं। अच्छा, जिनके पास पार्शियल अपॉर्चुनिटी होती है वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्होंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं और वो बोर्ड के अंदर भी शामिल होते हैं, इनके पास पार्शियल अपॉर्चुनिटी होती है, फुली ये कंट्रोल नहीं कर रहे होते उस कंपनी को। फिर हमारे पास वर्चुअली ये वो लोग होते हैं जो माइनर शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, जस्ट सिंपली पैसा लगाया और प्रॉफिट आ रहा है, बस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे, वोटिंग राइट्स पे कोई इनका हक नहीं होता। फिर हमारे पास आ जाते हैं बात लैंडर्स की। लैंडर्स वो लोग हैं जो कंपनी को फाइनेंशियल एडवाइसेस करते हैं। तो फुल अपॉर्चुनिटी किन लोगों के पास होगी लैंडर्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद लैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक बैंक्स हो गया या क्रेडिट यूनियंस होगी, जो कंपनी को फुली टाइम पे सिक्योर करती हैं, इनके पास फुल अपॉर्चुनिटी होती है कि ये परफॉर्मेंस दें, ये राइट परफॉर्म करें, अपना रोल परफॉर्म करें, ताकि वो जो है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को। ठीक है, बायर जो पार्शियल अपॉर्चुनिटी जिनके पास है, बायर्स ऑफ बॉन्ड्स विद ट्रस्टीज एग्रीमेंट, जो किसी और इदारे से या किसी ट्रस्टी के थ्रू जो है वो उस कंपनी के बॉन्ड्स को खरीद लेते हैं, और वो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है, पार्शियल अपॉर्चुनिटी होती है उनके पास राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। उसके बाद है अदर लैंडर्स, वो लोग जो छोटा मोटा कर्जा जो है वो उस कंपनी को देते हैं, उनका कोई ज्यादा रोल परफॉर्मेंस नहीं होती, नो अपॉर्चुनिटी होती है उनके पास। फिर बात करेंगे हम एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयज में सबसे ज्यादा जो कंट्रोलिंग होती है, जिनके पास फुल अपॉर्चुनिटी होती है, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कंपनी के फैसले करते हैं। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो शेयर होल्डर भी होते हैं और कंपनी के जो है वो सीईओ भी होते हैं, बड़े उद्योग पे फायज होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी पर्सन भी होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास फुल अपॉर्चुनिटी होती है, सीनियर मैनेजर्स के पास पार्शियल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो राइट्स को प्रोटेक्ट करें इंडिविजुअल्स के। अदर एम्प्लॉयज वही जो आम रूटीन के मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, उनके पास नो अपॉर्चुनिटी। फिर हमारे पास है बिजनेस एसोसिएट्स, पहले ही पता है कि सप्लायर्स होते हैं जो कि ओनली ऑन कैश टर्म्स पे जो है वो कंपनी को प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग सप्लायर्स होते हैं, इनके पास फुल अपॉर्चुनिटी होती है, वो क्योंकि उनके पास अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो अगर अपनी सप्लायर्स बंद कर दें तो कंपनी को नुकसान होगा। ठीक है, तो वो इनके पास फुल अपॉर्चुनिटी होती है कि अपना रोल परफॉर्म करें। फिर हमारे पास है पार्शियल अपॉर्चुनिटी के अंदर मेजर सप्लायर्स एंड क्लाइंट्स विद कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं, इनके पास पार्शियल अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, फिर हमारे पास है नो अपॉर्चुनिटी में स्मॉल सप्लायर्स एंड क्लाइंट्स आ जाएंगे। सोसाइटी की अगर बात करें तो सोसाइटी में फुल अपॉर्चुनिटी किसी के पास नहीं होती। सोसाइटी में हमारे पास गवर्नमेंट होती है जो कि टैक्स इंपोज करती है, इसके पास पार्शियल अपॉर्चुनिटी होती है कि कंपनी के राइट्स को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो टैक्सेस आएंगे, तो इस वजह से पार्शियल अपॉर्चुनिटी होती है, फुली ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि जी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वहां पे इन हो, क्योंकि कंपनीज एक बॉडीज होती के तहत काम करती हैं, तो वो अपने भी रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम करती हैं। फिर है पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज के पास नो अपॉर्चुनिटी होती है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो गुड सिटीजन के तौर पे डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर इन्वेस्ट करेगी, अदरवाइज वो इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो पब्लिक वहां पे कुछ नहीं कर सकती। ये बेसिकली जो स्केच मैंने आपको बताया, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट देयर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स राइट्स, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक स्केच बनाया कि किसके पास कितनी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। होता क्या है कि जब राइट्स प्रोटेक्ट ना हो रही हो तो हमें नीड ऑफ मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, ऐसा मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है जिसमें हम
ईच स्टेक होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। जब राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो फिर कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करेंगे ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, किसी एक इंटरेस्ट स्टेक होल्डर के फायदे की बात नहीं करेंगे, हम उनके कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करेंगे, हम उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। फिर हम ये भी बात करेंगे कि डज नॉट अलाउड मोनोपोली, किसी एक स्टेक होल्डर के पास ये पावर नहीं होना चाहिए कि वो मोनोपोली हो, जो उसी के डिसीजन मेकिंग चलते हो और वो खुद बेनिफिट ले रहा हो, बाकी स्टेक होल्डर जो है वो जितने भी स्टेक होल्डर है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है और कलेक्टिव डिसीजन में ये बात होनी चाहिए। सो दैट हम इस मैकेनिज्म को पूरा करने के लिए कि कोई भी स्टेक होल्डर जो है वो दूसरे स्टेक होल्डर के राइट्स को डिप्राइव ना करे, उसकी अपनी मॉरल ड्यूटीज को पूरा करे, इसको पूरा करने के लिए हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को यूज करते हैं, जो कि हमारा बेसिक काम है, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि करती है, इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस द मैकेनिज्म यूज टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द अफेयर्स ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी इन ऑर्डर टू सर्व एंड प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। ये काम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिकली, कि जितने भी कॉर्पोरेट के अफेयर्स हैं उसको डायरेक्ट करना। ये जो हम यहाँ पे बात करें डायरेक्ट द अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी, ये अब डायरेक्ट कैसे करती है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि लॉज को, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को ये अप्लाई करती है, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को, लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को अप्लाई करती है, सो दैट कि ये जो इंटरेस्ट है ऑल स्टेक होल्डर का वो कलेक्टिवली अचीव हो, किसी एक के फायदे में ना हो। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यही काम है कि इस मैकेनिज्म को जो है वो अप्रूव करवाना, उसको लागू करवाना रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, सो दैट कि हम उनके राइट्स को स्टेक होल्डर्स के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था बेसिकली आज का हमारा स्टेक होल्डर का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा स्टेक होल्डर का लेक्चर, किसमें स्टेक होल्डर की टाइप्स भी हमने देखी, दो पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस भी किया है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।